नमस्कार छात्रों, आज अपन अनुपात समानुपात की मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज अनुपात समानुपात के अपन 10 टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला टाइप है कि 4:13 समान अनुपात, यदि 4 डॉट लगे उसको क्या पढ़ते हैं, समान अनुपात। 64:64 क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाद। इसको करने का सीधा तरीका क्या है, इसको अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो आपस में गुणा करेंगे तो आएगा, इसे x मान लेंगे अपन, तो x बराबर 13 × 64/4। 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 × 4 बचे 2 × 4 = 24। 16 का गुणा 3 में करेंगे, इकाई अंक देखेंगे 6 × 3 = 18। इकाई अंक 8 है, मतलब ऑप्शन अपना कौन सा सही रहेगा, बी वाला। इसका गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा अपना 208। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो दूसरा प्रश्न है अभी अपने क्या करा था कि जो बीच में रहते हैं उनका आपस में गुणा, तो आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर, इसके इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6 × 24, यह आएगा x बराबर 24/8। 8 से काट देंगे तो यह कटेगा 8 × 3 = 24, तो इसका आंसर आ गया अपना 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिया है 9 तथा 16 का मध्य अनुपात क्या है, मध्य अनुपात मतलब बीच का। इसका करने का तरीका क्या है, 9 लिखेंगे, अनुपात x समानुपात x, यदि मध्य अनुपात पूछे तो x को बीच में 2 बार लिख देते हैं, और यहाँ पर 16, इनका आपस में गुणा क्या आएगा, x स्क्वायर, और यहाँ से 9 × 16 स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर चढ़ा देंगे, तो 9 × 16, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 × 12, इसका आंसर आ जाएगा ए वाला। इसको दूसरे तरीके से कैसा करेंगे कि सीधा डायरेक्ट अपन कुछ नहीं करना है, इनका वर्गमूल लेना है, इनका वर्गमूल, जैसे ही वर्गमूल लेंगे और आपस में गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आंसर, 9 का होता है 3 और 16 का 4, ये आ जाएगा 12। ये अपन दूसरे टाइप से इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 इसमें दिया है, यदि ए अनुपात टाइप में सेकंड पे आ गए, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो इसको देखेंगे, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर बन नहीं रहा है, इसको इस्तेमाल तो अपन यहाँ पर करेंगे थोड़ा, यहाँ यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का 1:2, बी का मान डबल वाला है, कितना है 4:5, यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 5, इनका आपस में यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है तो पीछे 2 बढ़ा देंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे किया जाएगा 4 × 4, 4 × 8 और 5 × 10, तो यह आएगा इसका आंसर अपना, उसे काट दो तो यह आएगा 2:4:5, इसका आंसर आएगा अपना 2:4:5, जो कि 4 ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन में नहीं है, यह आएगा इसका अपना आंसर। यह देखते हैं इसको एक बार, तो यह आएगा 4 × 4, 4 × 8, 5 × 10, ये आएगा इसका आंसर, आएगा 2:4:5। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। वैसे देखेंगे ए बी सी, ए का मान कितना है 2, बी का 3, और यहाँ पर बी का कितना है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, और यहाँ पर सी का मान कितना है 5, तो इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ 4, यहाँ पीछे 3 है तो जी पीछे 3 आ जाएगा, 4 × 8, 4 × 12, 5 × 15, चूंकि ए बी सी अनुपात नहीं पूछे, क्या पूछा है ए अनुपात सी, तो ए का मान है 8, तो यहाँ पे 8 लग जाएंगे, और सी का मान 15 है तो 15, इसका आंसर आ जाएगा अपना 8:15। इसी प्रकार अगला 6वां प्रश्न देखेंगे, दिया इसमें a बराबर 3/5b, तो
तो ए अनुपात बी क्या है? तो सिंपल है, ए अनुपात बी निकालना है, तो ए बटे में इसके ले जाएंगे, ए बटे बी बराबर 3/5, मतलब क्या आ गया जी आंसर इसका 3/5। तो ऑप्शन कौन सा है? बी वाला, जिसका आंसर आ जाएगा अपना बी। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पर दिया है ए बटे 4 बराबर बी बटे 6, इसका ए बटे बी निकालना, तो क्या आएगा, ए बटे में ले जाएंगे बी, ठीक है, तो भी यहाँ पर आ जाएगा, दिया जाएगा 4/6, दूसरे काट देंगे, 2 × 4 2 × 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2/3। इसी प्रकार अगला प्रश्न 8वां देखेंगे, इसमें दिया है ए का 30%, यदि का हो तो का के स्थान में क्या लिखते हैं, गुणांक चिन्ह लगाते हैं, ए गुण 30% मतलब 30/100, और यहाँ पे भी क्या है बी का, तो देखेंगे बी गुण 20/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाए, जब भी कभी भी बराबर के चिन्ह हो और एक से संख्या दिए तो उन्हें काट सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए बटे बी बराबर 2/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। इस प्रकार अपने 8 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसके आगे वाले टाइप 4 से अगली वीडियो में करेंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें।